सबसे पहले एक कप मैंने जो है चने की दाल ले ली है, एक कप थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको हमें ओवरनाइट सोक करना है, तो यहाँ पे हम पानी डाल के रख देते हैं ओवरनाइट सोक करने के लिए। तो अच्छी खासी मात्रा में पानी डाल के इसको रात भर भिगो के रखना है, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे तो आपको भिगो के रखना ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चना दाल जो है अच्छे से मैंने रात भर फुलाई है, इसको लगभग 10 घंटे से ये सोख है और ये काफ़ी अच्छे से जो है काफ़ी अच्छे से गल सी गई है। अब हम इसे सीटी लगा के तो बना नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा फुलाना ज़रूरी है। ये बिना कुकर के, वैसे आप कुकर में बना सकते हैं टाइम बचेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल और थोड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी तरीके से बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सोख हो गई है अच्छे से, मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से धो भी लिया है। और यहाँ पे मैंने लगभग 6 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से लेंथ वाइज कट कर लिया है। ये सारे मसाले रखे हुए हैं, अभी मैं बताऊँगी आपको। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च टमाटर लिया है, तड़के के लिए जीरा और हींग और ये हरी मिर्च। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमने पैन में अच्छे से ऑयल ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने सबसे लगभग 6 से 7 टीस्पून ऑयल लिया है, क्योंकि ज़्यादा लगेगा, मतलब एक कप से थोड़ा सा कम है, 3/4 कप आप मान सकते हैं। अब कोई मसालेदार डिश बना रहे हैं तो थोड़ा सा तो तेल मसाले अच्छे जाएंगे, मैं हमेशा बोलती हूँ। और जितना जो मैं कम मसाले बना सकती हूँ वो भी मैं बनाती हूँ, टेस्टी और हेल्दी दोनों बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑयल बहुत अच्छे से जो है गर्म हो रहा है, हल्का हल्का धुआँ छूटने लगा है। अगर आपको अंदाज़ा ना लगे तो ऐसे हल्का सा हाथ लगा के देख ले कि जिसमें डालना नहीं है, हाथ ऊपर लगाना है। अगर आपको अच्छी सी हीट जो है लगेगी तो समझ जाइए कि ऑयल हो चुका है। और फिर भी आप चेक करना चाहें तो कोई भी एक चीज़ का टुकड़ा आप डाल सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा प्याज का स्लाइस, प्याज को थोड़ा सा कट करके हाथों से ही जैसे ये हल्का सा ले लिया, देखिए जाते के साथ वो आवाज़ करने लगी और बबल बबल होने लगे हैं, तो मतलब हमारा तेल गर्म है। बस अब हम इसमें अपना हींग और जीरा डाल देंगे। सबसे पहले आप और भी खड़े मसाले वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने पिसा हुआ गरम मसाला अच्छी मात्रा में लिया है। टेस्टी बना रही हूँ, स्पाइसी बना रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और हींग जीरा के साथ में मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी ले लूँगी। अच्छे से स्लो फ्लेम पर 1 मिनट भून लेते हैं। मेरी हींग जीरा सब तड़क चुका है, अब डाल देते हैं इसमें हमारा अनियन। ये चला गया हमारा अनियन अच्छा सा। अनियन को हमें अच्छा सा मतलब जलाना नहीं है, लेकिन ब्राउन कर लेना है। तो अभी 6-7 मिनट हमें इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो इसको हम अच्छे से जो है इस तरह से भूनते हैं। आप चाहें तो हल्का सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही भूनूंगी, क्योंकि मैं नमक को मसाले में मिक्स कर चुकी हूँ। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि प्याज ज़्यादा हो तो भूनते समय थोड़ा नमक ऐड कर लूँ, लेकिन फिर मैं क्योंकि मसाले मिक्स कर रही तो मैं हटा नहीं सकती। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली बना रहे हो तो आपको जितना टोटल नमक डालना हो उसका हाफ आप डिवाइड करके आधा प्याज को भूनते समय डाल दीजिए और आधा बाद में मसालों के साथ, वो बैलेंस रहेगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। और अगर आपका नमक का अंदाज़ा सही नहीं है तो अपने अंदाजे से हल्का सा कम रखा कीजिए, क्योंकि कम नमक में हम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अगर कम पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाती है। कोशिश करिए कम रखिए, वैसे मुझसे खुद ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छे से हम जो है प्याज को भून लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा प्याज ब्राउन होने लगा है, ये देखिए। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च और टमाटर, इससे इसका और अच्छा टेस्ट आएगा और एक अलग डिफरेंट इसको मतलब लुक भी मिलेगा। तो बस इसको बस मैं 1 मिनट और भून लेती हूँ, फिर डालती हूँ। तो ये हमने जो है थोड़ा सा रुक के अब हम इसको डालेंगे और अच्छे से करेंगे मिक्स प्याज के साथ में टमाटर और शिमला मिर्च को। डिश के टेस्ट और लुक में लग जाएंगे 4 चांद, बना के ज़रूर बिल्कुल इसी तरह से देखिएगा। इनमें से कोई एक चीज़ आप ना भी खाते हो तो भी डाल दीजिएगा, खाइएगा मत, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ऐसा करने से। तो अब हमको जो है शिमला मिर्च के साथ भी इसको पकाना है, भूनना है थोड़ी देर बेसिकली। तो 5 मिनट में अच्छे से भून लेती हूँ, फ्लेम मेरा मीडियम है।
चलिए अब हमारे मसाले डालने का टाइम आ गया है। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च टमाटर भी एकदम गल गए हैं, कुक हो गए हैं, प्याज भी भुन गई है। यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 चम्मच की जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक, 1 चम्मच थोड़ा ज़्यादा है और 1 चम्मच के इससे थोड़ी सी कम है कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब चला जाएगा। स्पाइसेस मैंने अच्छे रखे हैं लेकिन फिर भी बैलेंस्ड ही रखे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो। भाई खाने में हमें स्वाद तो अच्छा लगता है लेकिन पेट को पसंद नहीं होता एक्स्ट्रा स्पाइसी एक्स्ट्रा ऑयली, इसलिए उसका भी ख्याल रखें। तो अच्छे से जो है यहाँ पे फ्लेम में लो कर दे रही हूँ, अभी मीडियम है, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं हल्का सा भूनूंगी, 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। तो उसी प्लेट पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, फ्लेम कर दी है मीडियम, अभी लो कर दी थी, अब हल्का हल्का चलाएंगे और ये मसाले जो सूखे डाले इन सब के साथ भून लेंगे अच्छे से, और बस उसके बाद हमारी चना दाल जाएगी। अभी उसको भी पकने में टाइम लगेगा, पहले हम मसाला भून लेते हैं। जैसे 2 मिनट भून लिया है, अब हमारी जो दाल चना दाल थी मैंने पानी हटा दिया, लेकिन अभी शायद इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा पकाने के लिए, अभी पूरी तरह से कुक्ड नहीं है ना, सीटी हम लगा नहीं रहे हैं, थोड़ा तो ऐड करना पड़ेगा। पहले तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, अच्छे से मिक्स करके मैंने 1/2 कप पानी डाला है बस, और मीडियम फ्लेम लो मीडियम फ्लेम पे इसको मैं ढक देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए, उसके बाद देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसको 15 मिनट हो चुके थे मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पानी के साथ में, तो मैंने सोचा खोल के एक बार चेक कर लूँ। ऑलमोस्ट एक कुक है, बहुत हल्की सी टाइट है, मतलब बहुत हल्की सी, तो मैं हल्का सा पानी और डाल के, आप लोग अब सोच रहे होंगे इससे बेहतर तो कुकर में बना लिया जाता, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में अंतर आ जाता है। ऑफकोर्स अगर मेरे पास टाइम कम होता तो मैं कुकर में ही बनाती, इतनी मेहनत वैसे भी कौन करे, और मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो आज थोड़ा सा टाइम टेकिंग मैं लेकर बना रही हूँ, और थोड़ा सा कुछ बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने का और डिफरेंट खाने का मन है। बहुत थोड़ा सा लगभग 5 से 6 टीस्पून पानी और डाल के मैं इसको लगभग 5 से 8 मिनट के लिए फिर से रख दूँगी, और बस तब तक ये एकदम हो जाएगी। 8 मिनट अच्छे से कुक कर लेने के बाद, चूल्हा बंद कर लेने के बाद मैंने 2 मिनट ढक के ऐसे ही रख दिया बंद चूल्हे पे, और तैयार है हमारी चने की दाल और प्याज वाली सब्जी। इतनी डिलीशियस और इतनी ज़्यादा खुशबू अच्छी आ रही, मैं बता नहीं सकती। आप लोग जब तक खुद बना के नहीं देखेंगे, आप चाहें तो हल्का सा पानी डाल के कुकर में सीटी लगवा दीजिएगा, बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए, सूखी सूखी रहेगी और गल जानी चाहिए, और लगभग 10 से 12 घंटे पानी में सोख करके आपको ओवरनाइट रखना है। बताइएगा कि दिख कैसी रही है खाने में, मतलब मैं जा रही हूँ खाने के लिए, आप लोग यहाँ होते तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बना के ज़रूर देखिएगा, कमेंट बताइएगा कि कैसी लगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी या किसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।